इंडस्ट्री गंडा कैसा आगे एक्सपीरियंस रहा? बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस था। आई थिंक मेरे लिए, मैं काफी नर्वस थी क्योंकि बहुत ही नया एक्सपीरियंस था। मैं सब कुछ छोड़ छाड़ने जा रही थी, यू नो, नॉट इवन टेकिंग माय ओन टीम अलोंग, मैं अकेली लिटरली। पर उन्होंने बहुत ख्याल रखा। जब भी मुझे दाल चावल चाहिए था तो दाल चावल ला के दिया। दे मेड मी फील एक्सट्रीमली एट होम। और आपकी फेवरेट वंडर वुमन, हम सबकी फेवरेट वंडर वुमन गाल गदों के साथ काम करके, तो यू नो, शी सच एन आइकन एंड शी सच अ इंस्पिरेशन। वो मतलब जिस तरह से एक्शन करती है, जिस तरह से अपने आप, मतलब एंड शी इज ऑल्सो प्रोड्यूसिंग दैट फिल्म, तो वो भी उस फिल्म के प्रोड्यूसर है। तो आई थिंक वी हैड अ लॉट इन कॉमन, लॉट टू टॉक अबाउट एंड शी वाज लवली वार्म, पॉसिबली द मोस्ट ब्यूटीफुल एनर्जी दैट आई हैव एवर कम अक्रॉस। व्यूअर्स, तो फाइनली तौर पर आलिया भट्ट इस टाइम पर चांद सूरज बनी हुई सुपर डुपर ग्लोइंग करती हुई अपने स्ट्रेस में सुपर क्यूट लगी। आपको बताते चलें आलिया भट्ट के बारे में, आपको बताते चलें रणबीर कपूर के बारे में। तो अपनी प्रेगनेंसी को जिस तरीके से उन्होंने फुल तौर पर ऑन किया है, फुल तौर पर अडोर किया है, फैंस का कहना है कि वाकई आलिया भट्ट अपनी मैटर्निटी इस तरीके से कपड़ों में भी सुपर क्यूट लग रही है। आपको बताते चलें आलिया भट्ट के बारे में, तो इस टाइम पर रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, जो कि इनकी मूवी आने वाली है, उसकी प्रमोशन करते हुए सुपर क्यूट लग रही है। जबकि रणवीर सिंह, जो कि उनके इस टाइम पर पार्टनर हैं, इनके मूवी में एज अ हीरो काम कर रहे हैं, उनकी बहुत सारी साइड भी लेती हैं, जबकि इन दोनों का कपल भी बहुत ज्यादा ऑन स्क्रीन पसंद किया जाता है। खैर, रियल लाइफ में इनका कपल सिर्फ रणवीर कपूर है, जिसके साथ इन्होंने फाइनली तौर पर शादी भी की। उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि सामने लेकर आती रहती है उनके साथ, लेकिन अपनी बेबी के बाद जिस तरीके से उन्होंने तमाम प्रेगनेंसी का अनाउंस किया और फाइनली तौर पर अपनी बेबी के बारे में बताया और प्रेगनेंसी का अनाउंस किया, फैंस बहुत सारे दो तरीकों में डिस्टर्ब डिवाइडेड है। कुछ कहते हैं कि सारा कुछ तो शादी के बाद हुआ, वो सारों कहने कि सब कुछ तो शादी से पहले हुआ है, सब तो शादी करना ही सब छुपाने का नाम था। जबकि बहुत सारों का कहना है कि आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी आपके चाइल्ड भी हो सकते हैं, कुछ लोग अपने चाइल्ड पे कम्प्रोमाइज नहीं करते। व्यूअर्स, आपको इस बारे में क्या कहना है? आपको वाकई खूबसूरत से मैटर्निटी ड्रेस में आलिया भट्ट कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।